assalam alaikum students i am your teacher simra and today we are going to start our new unit unit number 4 proper nouns first of all write date 18th june 2020 c w classwork and the day is thursday so all you all know what nouns are nouns are the names of person place or things and animals okay person place things or animals kisi bhi bande जगह चीज़ या जानवर को क्या कहते हैं नाउन और उर्दू में नाउन को इसम कहते हैं बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन्स लेट्स सी वट आर दी प्रॉपर नाउंस लुक एट द पिक्चर्स बिलो रीड द सेंटेंसेस इन पिक्चर्स को देखें और सेंटेंसेस पढ़ें सिंगापुर इज़ अ स्मॉल कंट्री सिंगापुर इज द नेम ऑफ अ कंट्री सिंगापुर एक स्मॉल कंट्री है और इसमें सिंगापुर जो है एक कंट्री का नाम है

जो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं दीज नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर उन्हें हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग प्रॉपर नाउन एक स्पेशल नाम होता है जो किसी भी पर्सन इंसान को एनिमल को जानवर को मीन जानवर प्लेस मीन्स जगह थिंग या चीज़ को दिया गया हो जैसे कि आप देखें सिंगापुर और कंट्री कंट्री भी नाउन है और सिंगापुर भी नाउन है पर कंट्री क्या स्पेशल नेम है नहीं कंट्री स्पेशल नेम भी नहीं है और क्या कंट्री कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है नहीं तो सिंगापुर तो एक स्पेशल नेम है ना कंट्री का है ना ये एक स्पेशल नेम है और एक ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन कोई भी किसी का प्रॉपर जैसे मैं टीचर हूँ टीचर वर्ड जो है वो नाउन हो गया बिकॉज टीचर बंदा होता है ना टीचर इज़ अ पर्सन बट मेरा नाम सिमरा है माई नेम इज़ सिमरा तो क्या सिमरा तो किसी भी बंदे का एक स्पेशल नाम हो गया ठीक है एक स्पेसिफिक नेम है और आप जब भी सिमरा लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे एज यू ऑल नो दैट ऑल द नेम्स आर रिटन विद द कैपिटल लेटर्स तो सिमरा जो हो गया वो हो गया प्रॉपर नाउन और टीचर जो हो गया वो हो गया कॉमन नाउन तो कंट्री कॉमन नाउन है और सिंगापुर प्रॉपर नाउन है रॉय इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन रॉय इज़ माई फ्रेंड फ्रेंड भी एक पर्सन है ठीक है तो पर्सन का कोई नाम तो नहीं है ना फ्रेंड किसी का नाम तो नहीं होता तो ये हो गया कॉमन नाउन पर रॉय तो किसी का नाम है रॉय उस लड़के का नाम है तो ये होगा प्रॉपर नाउन किटी इज़ माई पैट पैट हो गया कॉमन नाउन क्योंकि किसी का नाम नहीं होता और किटी आपकी उसका नाम है, है आपकी बिल्ली का आपके पेट का तो इट्स अ प्रॉपर नाउन नाउ डू यू पॉइंट। पेज नंबर फाइव। रीड एंड लर्न जेरी इज माई यंगर ब्रदर जेरी मेरा छोटा भाई है तो जेरी नाम है भाई का ओके okay, तो ये प्रॉपर नाउन है हिज फादर इज वर्किंग इन जापान उसके फादर जापान में काम करते हैं तो जापान इज़ अ प्रॉपर नाउन क्योंकि ये खास नाम है एक जगह का My pet कैट फ्लफ़ी इज़ वेरी हेल्पफुल इसमें नाम कहाँ पे आ रहा है और कैपिटल लेटर से क्या स्टार्ट हो रहा है फ्लफी तो इज़ फ्लफ़ी क्या हो गया नाम है पेट कैट का तो ये प्रॉपर नाउन हो गया माई लिटल सिस्टर वॉज बॉर्न इन लंडन मेरी छोटी बहन कहाँ पैदा हुई थी लंडन में तो लंडन को हम क्या कर देंगे अंडरलाइन क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है लंडन एक शहर का नाम है ठीक है ही गोज़ टू मलेशिया एवरी वीक वो हर वीक मलेशिया जाता है मलेशिया इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री सो वी आर गोइंग टू अंडरलाइन इट और इट इज़ कैपिटल इट इज़ प्रॉपर नाउन माय बर्थडे फॉल्स ऑन ट्वेंटी जनवरी मेरी बर्थडे ट्वेंटी जनवरी को आती है जनवरी अगर हम जनवरी की जगह सिर्फ लिख दें मंथ क्या मंथ किसी का नाम हो सकता है किसी भी मंथ का नहीं मंथ एक कॉमन नाउन है और मंथ का नाम क्या है जनवरी तो ये हो गया प्रॉपर नाउन क्वीन रोड इज़ वेरी क्राउडिड अगर हम लिखते सिर्फ रोड रोड लिखते तो हमें पता चलता किस रोड की बात हो रही है नहीं हम क्वीन रोड की बात कर रहे हैं तो ये रोड का नाम है इसलिए हो गया प्रॉपर नाउन ये भी हो गया प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग कंट्री ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी कंट्री है तो ऑस्ट्रेलिया हो गया प्रॉपर नाउन ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री का नाम है वी विल सेलिब्रेट क्रिसमस नेक्स्ट वेंसडे क्रिसमस एक इवेंट है ओके okay? वेंसडे भी एक वेंसडे एक डे का नाम है क्रिसमस एक इवेंट का नाम है जैसे हमारे इवेंट्स होते हैं ईद ओके सो उसी तरह क्रिसमस भी एक इवेंट है क्रिश्चियंस का तो इवेंट का नाम हुआ और सी से सी कैपिटल है तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन की दो निशानियाँ होती हैं बेटा एक तो फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन इज ऑलवेज वैन एवर द फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन इज कैपिटल ओके देन इट्स इट्स अ प्रॉपर नाउन एंड वेन एवर इट इज़ अ स्पेशल नेम ऑफ़ एनी थिंग दैन इट्स अ प्रॉपर नाउन ठीक है ये स्पेशल नेम भी है एक इवेंट का और क्या हुआ ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है एंड वेंसडे अगर हम वेंसडे की जगह लिखें सिर्फ डे तो क्या आपको पता चलेगा हम किसकी बात कर रहे हैं नाम तो नहीं है ना डे किसी चीज का ना, किसी का नाम नाम डे किसी दिन तो तो नहीं होता वेंसडे तो जब लिखेंगे तो हमें पता है कि हम स्पेशली बुद्ध की बात कर रहे हैं वेंसडे की बात कर रहे हैं तो ये हो गया प्रॉपर नाउन एंकोर वॉट इज एन एंशियन टेम्पल इन कंबोडिया एंकर वाट जो है वो एक टैंपल है टेम्पल कहते हैं मंदिर को जो उनकी इबादत गाह होती है कम्बोडिया के लोगों के रहने की ठीक है तो कम्बोडिया के जो लोग वहाँ पर एंकर वाट एक बहुत पुराना मंदिर है ये मंदिर का नाम हो गया ना अगर हम बोलते सिर्फ टेम्पल बोलते टेम्पल तो बहुत ज़्यादा होते हैं मंदिर तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है थीके? इबादत गाह हैं जहाँ पर इबादत करते हैं तो ये हो गया कॉमन नाउन क्योंकि हमें नाम नहीं पता पर ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये स्पेशल किसी जगह का नाम है इट इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड कम्बोडिया इज इज़ अ कंट्री सो इट इज़ अ स्पेशल नेम गिवन टू अ कंट्री सो इट्स अ प्रॉपर नाउन द स्टेचू ऑफ लिबर्टी इज़ इन न्यूयॉर्क सिटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये एक स्टैचू है ठीक है अगर हम लिखते सिंपल ही स्टैचू लिखते ना तो हम ऐसे लिखते हैं ठीक है पर हम स्टैचू का नाम बता रहे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो ये हो गया प्रॉपर नाउन एक उसका स्पेशल नाम बता रहे हैं दूसरा न्यूयॉर्क सिटी अगर हम सिर्फ सिटी लिखते हमें पता होता कि सिटी का बा, की बात हो रही है नहीं पता होता ना पर सिटी का स्पेशल नाम क्या है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क सिटी का नाम लिख रहे हैं तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन और ये स्टार्ट भी हो रहा है कैपिटल लेटर से सो दैट्स अ प्रॉपर नाउन Now, kids, exercise number nine and page number twenty-six is a very easy exercise. You are just going to do this exercise as your homework. Okay. I hope you do your homework regularly and on the daily basis. Keep remembering and learning th important things from your notes and your lessons. Take care of yourselves. Allah Hafiz.